पहले मेरा टिफ़िन का काम था, कोरोना होने के बाद मेरा काम वो बंद हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा काम स्टार्ट करना चाहिए जो मैं अकेले संभाल सकूँ। तो परेशान हो गई थी मैं, मेरे ब्रदर ने हेल्प करी मुझे काम सेट करने में, मेरी मदद करने में, और मेरे भैया भाभी अच्छे हैं तो उनकी मदद से मैं दोबारा उठ पाई हूँ, काम स्टार्ट करा। तो मैंने फिर चावल छोले का, कढ़ी चावल, राजमा चावल का शुरू करा। तो भाई जब भूख लगती है ना तो याद आती है मॉम की और घर के खाने की, इसलिए यहाँ रोहिणी सेक्टर 6 में हमने देखा मॉम्स किचन और रुक गए यहाँ पर घर का खाना खाने के लिए। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आशीष एंड यू वॉचिंग मी ऑन हांजी। तो चलिए यहाँ मॉम्स किचन के राजमा चावल और छोले चावल का जायका आप तक पहुँचाते हैं और फिर आप बताइएगा ये खाना बिल्कुल घर जैसा है कि नहीं है। मेरा नाम रीनू चोपड़ा है। रीनू चोपड़ा, हाँ जी। तो दीदी की शुरुआत कैसे हुई इसकी? मेरा टिफ़िन का काम था, कोरोना होने के बाद मेरा काम वो बंद हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा काम स्टार्ट करना चाहिए जो मैं अकेले संभाल सकूँ। तो मैंने फिर चावल छोले का, कढ़ी चावल, राजमा चावल का शुरू करा। और क्वालिटी बढ़िया है यहाँ का, चावल जो है बासमती चावल हैं, रिफाइंड मसाले सब बढ़िया हैं, फॉर्चून वगैरह यूज़ कर रही हूँ, सब खाना बढ़िया होगा, आपको नुकसान किसी को नहीं होगा। तो जैसे सब लोग घर का खाना क्रेव करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मम्मियाँ घर का बनाती हैं तो खाने को बहुत साफ सफाई से बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं बार बार हैंड भी वॉश कर रही हूँ, सैनिटाइज यहाँ रखा होगा आपके सामने, बार बार हाथ साफ कर रही हूँ, तो ऐसा किसी को गलत नुकसान ना, इसलिए मैं तो साफ सुथरे ढंग से बना रही हूँ। बिल्कुल, आप खाओगे तो एक बार आके खाइए, आपको बढ़िया। मतलब सारी चीज़ें ब्रांडेड हैं, बस इस जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि इसमें सोडा मिक्स तो नहीं है ना? नहीं, किसी चीज़ में भी सोडा नहीं, कोई कलर मिक्स नहीं है, कोई सोडा वगैरह कुछ नहीं मिक्स है इसमें। तो मतलब जो ये मैं देख पा रहा हूँ राजमा और छोले बिल्कुल जैसे घर की तरह लग रहे हैं, तो उसमें कोई कलर मिक्स नहीं है ना? नहीं है। तो रोज कौन सा आइटम होता है? राजमा रोज होता है और छोले और कढ़ी में फिर वो ऑल्टरनेटिव पे चलता है, एक दिन छोले एक दिन कढ़ी। तो आंटी जैसे कोविड का टाइम है, ये टाइम कैसा बीता आपका? मैं परेशान हो गई थी मैं, मेरे ब्रदर ने हेल्प करी मुझे काम सेट करने में, मेरी मदद करने में, और मेरे भैया भाभी अच्छे हैं तो उनकी मदद से मैं दोबारा उठ पाई हूँ, तो काम स्टार्ट करा मैं। इससे पहले आप क्या करते थे? ये टिफ़िन का कर रही थी, फिर बंद हो गया तो दिमाग परेशान हो गई, घर चलाना कैसे, घर चलाए, बच्चे को भी मुझे पालना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ये चावल, और अब 1.25 महीना हुआ, अब धीरे धीरे लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो भाई मुझे देख के तो साफ लग रहा है कि जो राजमा चावल मैंने देखे हैं और ये छोले भी हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 4 बजने वाले हैं, और जैसे मम्मी घर पर बनाती है ना सेम वही कलर है, और अभी टेस्ट हम आपको बताएंगे कि कैसा है। लेकिन आंटी उससे पहले टाइमिंग्स क्या है यहाँ के और कौन कौन से दिन लगाते हो आप? मैं अभी रोज ही लगा रही हूँ, 11 बजे सुबह लगाती हूँ और शाम के 5 बजे तक होती हूँ, आज जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं बढ़ा दूँगी। अच्छा, तो मतलब संडे को भी छुट्टी नहीं है आपकी? अभी कोई छुट्टी नहीं कर रही, मुझे मेहनत करनी है। तो भाई आपको अगर संडे को भी भूख लग रही है ना तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आके आराम से यहाँ पर राजमा चावल और छोले चावल और कढ़ी चावल भी आके खा सकते हो। आंटी प्राइस कितना रखा है आपने इसका? इसका जो हाफ है वो 40 का, फुल जो है 60 का। एक बार आप प्लेट दिखा दोगे, हाफ और फुल कौन सी है? ये वाला हाफ है, ये वाला फुल है। ये 40 का है और ये 60 का। ये 60 का है, तो मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें तो आई जाती है। हाँ जी, हाँ, मतलब पेट भर जाएगा एक जने का। तो आंटी जो लोग मतलब कोविड के चक्कर में बाहर नहीं निकल रहे हैं और अपने हॉस्टल में ही रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं या अपने घर पे भी रह रहे हैं, आप उनको क्या बोलोगे? यहाँ पे आके खाए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से बनाया होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, बार बार यही बोल रहे हैं। तो भाई इस चीज़ की गारंटी है कि आप यहाँ पर आके आराम से खाना खा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी? ये भी रखी है 40 रुपये पैकेट, 40 रुपये पैकेट मिल रहा है यार, कहीं भी नहीं मिलता, लेके जाओ। तो भाई हमारे छोले चावल लगने जा रहे हैं,
ये रहे राइस जो कि बासमती राइस है, और ये आंटी है काबुली चना। काबुली चना है ये? हाँ जी। लग ग्रेवी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसका जायका है। एक प्लेटिंग राइस की और अब फिर से छोले। तो भाई ये हैं हमारे छोले चावल, ये हैं राजमा चावल, इसके ऊपर डली हुई है मूली क्योंकि सर्दी ऑलमोस्ट आ गई है, और ये जो आप चटनी देख सकते हैं ये बेसिकली इसमें प्याज है और टमाटर है, दही है, लहसुन है, और सारा मिक्स करके ये चटनी बनाई गई है। बेसिकली सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनती है, और ये है हमारे पास हरी मिर्च। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ये छोले चावल, वो भी मूली के साथ। आप फिलहाल इसकी क्वांटिटी देख सकते हो, एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, 40 रुपीज़ में आपका पेट आराम से भर जाएगा, लाइक आप परफेक्ट लंच। और जो इसकी कंसिस्टेंसी है छोले की बहुत ही अमेजिंग है, काबली चना है ये, और देख के लग रहा है ना बिल्कुल जैसे मम्मी ने बनाया हो। तो आइए ट्राई करते हैं। पहली बाइट में ही मज़ा आ गया यार, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ही बिल्कुल फीका है, ये बिल्कुल घर जैसा है, बिल्कुल घर जैसे छोले हैं यार। इसे आप परफेक्ट पंजाबी छोले बोल सकते हो। नो वर्ड्स यार। अब ट्राई करते हैं ये राजमा। तो राजमा भी आप देख सकते हो जो इसका कलर है वो बिल्कुल घर जैसा है, और राजमा बहुत अच्छे से गल गए हैं इसमें। राइस जो है बिल्कुल खड़ा राइस है, बासमती है क्योंकि, बिल्कुल खिल के आया। और अब इसको पहली बाइट लेते हैं। मैं गुड़गांव रहता हूँ, अगर गुड़गांव ना रहता होता ना, यहाँ कहीं आसपास रहता, मैं यहाँ से रोज़ आके खा सकता हूँ, मैं लिटरली रोज़ आके खा लूँगा इसे, ये बहुत ही अमेजिंग है। और जब तक मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप हमारी वीडियो को करिए लाइक, हमारी वीडियो करिए शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंतज़ार करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और फिलहाल उससे पहले आपको यहाँ पर आके खाना है ताकि आंटी की भी हेल्प हो सके और आपको घर जैसा खाना यहाँ पर मिल सके। ये हमारी रीत है कि जहाँ से भी हम खाते हैं वहाँ से हम पैक कराते हैं ताकि रास्ते में जो हमें ऐसा बंदा दिखे जो लिटरली भूखा हो हम उसको दे सकें। तो हमने एक प्लेट पैक कराया है राजमा चावल, एक प्लेट छोले चावल, और साथ में आंटी की और हेल्प हो सके इसलिए हमने यहाँ से 40 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट भी लिया है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आंटी की हेल्प भी कर सकते हैं, उनके हाथ के राजमा चावल खाएं, छोले चावल खाएं, कढ़ी चावल खाएं। ट्रस्ट मी, यू गोना गो क्रेजी, क्योंकि ये खाना बिल्कुल घर जैसा है और इससे आंटी का भी घर चलता है।